ओके सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा अगर मुझे फिर से इंट्रो देना है कि माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड क्या है, तो लेट्स गिव अ ब्रीफ। अच्छा बच्चे, इसके बाद और कोई क्लास है क्या? अगर 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाती है क्लास तो चलेगा? इज यू हैव एनी अदर क्लास टुडे? यस नो मैम, 9:30 बजे है क्लास। तो अच्छा ठीक है, तो 5 to 10 मिनट अगर एक्सटेंड हो गया तो डोंट लीव द क्लास, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं हम लोग आज। तो फाइन, लेट्स अगेन डू। ये कौन से है? नॉन माइलिनेटेड है, मतलब जिनके ऊपर क्या है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, एंड ये है जो माइलिन शीथ जिनके ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या डिफरेंसेस है, एक तो माइलिन शीथ का होना, दूसरी बात श्वान सेल्स तो बेटा दोनों में भी है। मैंने पहले भी बताया था कि श्वान सेल्स जो होंगे वो माइलिनेटेड में भी आते हैं एंड नॉन माइलिनेटेड दोनों में भी श्वान सेल्स होते ही है। बस माइलिनेट में श्वान सेल्स क्या कर देंगे, यहाँ पे सीक्रेट कर देंगे उस लेयर को, एंड यहाँ पे वो सीक्रेट नहीं करेंगे, इतना ही फर्क है। ओफो, ये GIF डालने की वजह से ना हर बार ये स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होती है बिकॉज ऑफ दिस GIFs। एनीवेज, देन आपको सेकेंड बात याद रखनी है कि माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन ज्यादातर हमको पाए जाते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ये वाले हमको ज्यादातर मिलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसमें भी ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक में ज्यादा मिलेंगे। देन और एक चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड का जो इम्पल्स कंडक्शन है वो है फास्ट। ये फास्ट करेगा इम्पल्स को ट्रेवल, एंड ये करेगा स्लो। आप देख भी सकते हैं GIF में कि पहले वाला कैसे स्लो जा रहा है, दूसरे वाला कैसे फास्ट जा रहा है। तो आज की क्लास पूरी डिपेंड करती है कि ये इम्पल्स कंडक्शन भाई होता कैसे है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पल्स कंडक्शन। ओके, अब इंपल्स कंडक्शन के पहले अगेन वी हैव टू सी द न्यूरॉन के फिर से तीन टाइप्स, जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। अब पहले वाले जो टाइप थे बच्चा, पहले वाले टाइप्स डिपेंड किए थे सिर्फ माइलिनेटेड वाले शीथ है या नहीं, उसके आधार पे था एक टाइप। दूसरा टाइप हम डिपेंड कर रहे हैं कि डिपेंड कि वो कौन से न्यूरॉन कहां से कहां तक जा रहे, मान लो इनकी क्या फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर दूसरा वाला टाइप है न्यूरॉन्स का। तो देखो फंक्शन में हम देखें तो सबसे पहला जो न्यूरॉन है वो है सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन एंड देन इंटर न्यूरॉन। अब आपको अगर 10th स्टैंडर्ड में का रिफ्लेक्स आर्क अगर याद आ रहा है तो उसमें हमने क्या देखा था, मान लो मेरा ये हैंड है, इसने कोई हॉट ऑब्जेक्ट अगर छू लिया था तो क्या करते थे हम, हैंड को एकदम से पीछे खींच लेते थे। तो जैसे ही इसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हैंड का जो भी इम्पल्स गया किसके तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन की तरफ। तो ये जो न्यूरॉन होता है जो हमारा ऑर्गन से लेके जाएगा मैसेज टू द ब्रेन, वो कहलाएगा सेंसरी, सेंस करेगा ना, इसलिए सेंसरी। एंड जो मैसेज वापस से ब्रेन से आएगा टू द ऑर्गन वो होगा मोटर। एंड इनके बीच में, ब्रेन के बीच में भी हिस्से है ना, अलग अलग हिस्से हैं, तो अलग अलग हिस्सों में जब नर्व का एक्चुअली मैसेज का हम रीड करते हैं एंड मैसेज को जब हम एक्सेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो जो बीच वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन, जो सिर्फ CNS में पाए जाएंगे, या इसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाएगा। तो ये फंक्शन के ऊपर हमने क्या डिसाइड किया, सेंसरी मतलब ये क्या करता है, इंपल्स लेके जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन, इट विल गो फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन। ये क्या करेगा, ये ब्रेन से इंपल्स लेके आएगा टुवर्ड्स एनी ऑर्गन, एनी बॉडी का इंटरनल हिस्सा भी हो सकता है, एक्सटर्नल हिस्सा भी हो सकता है। ऑर्गन मतलब सिर्फ हैंड्स की बात नहीं होगी, इंटरनली। अब आपको याद है किडनी में भी हमने पढ़ा था कि किडनी में भी जैसे ही GFR गिरता था तो हम हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते थे, तो वो जो GFR गिरने वाली जो क्रिया है वो इंपल्स है जो किडनी ने भेजी टू द CNS टू द ब्रेन, वो भेजी बाय सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड वापस से जब आते हैं, जब हमने रेनिन को एक्टिवेट किया था, वापस मैसेज लेके आया मोटर वाला न्यूरॉन। समझे, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का फंक्शन समझे, कौन कहां से कैसे जाता है, कौन मैसेज को लेके जाएगा, कौन मैसेज को वापस लेके आएगा। दिस इज क्लियर।
सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का अगर देखोगे डायग्राम, सेंसरी न्यूरॉन में आप देखो एक एक्सॉन है एंड जो आपका डेंड्राइट्स है वो छोटे से शॉर्ट है, मतलब दीज आर शॉर्ट एंड एक्सॉन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, बाइपोलर यू कैन से दीज आर व्हाट बाइपोलर न्यूरॉन्स। मोटार न्यूरॉन क्या है, ये मल्टीपोलर है, बहुत सारे डेंड्राइट्स है, यू कैन सी मेनी डेंड्राइट्स एंड एक बड़ा एक्सॉन। तो दिस इज व्हाट मोटार न्यूरॉन, जो जनरली क्या होता है मल्टीपोलर। एंड इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्सॉन एंड जो डेंड्राइट है वो करीब करीब सेम ही लेंथ के होते हैं एंड इनका फंक्शन ब्रेन के अंदर होगा, एक तरफ से जहां से मैसेज आया है उसी को इंटरप्रेट करना, मतलब उसको पढ़ना एंड उसके हिसाब से रिप्लाई हमको देना है दूसरी तरफ से। तो बीच में जो हम इंटरसेप्ट करते हैं मैसेज को, पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं, वो काम ये इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन करेंगे इनसाइड योर ब्रेन। ठीक है, तो ये तीन न्यूरॉन के टाइप्स को आप याद रखोगे किसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब क्वेश्चन इसी पे आता है कि मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, सेंसरी का क्या है, रिले या इंटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, इसी पे से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ द इम्पल्स कंडक्शन, या इसको ही हम कहते हैं कि कैसे इम्पल्स कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम आयॉन्स की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, आयॉन्स की फॉर्म में ट्रैवल कराएंगे थ्रू द होल एक्सॉन। मतलब ओरिजिनली जब हमको कोई, जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को अगर छू लिया तो ओरिजिनली जो सेंस करेगा हमारा वो होगा डेंड्राइट, मतलब सबसे पहला आएगा यहाँ पे सिग्नल, यहां से फिर बॉडी, बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से पूरा सिनेप्टिक नॉब एंड यहां से फिर दूसरा वाला न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक दैट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन टू थर्ड न्यूरॉन। तो पहले हम सिर्फ न्यूरॉन की आपस की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे कैसे चीजें बदलती है एंड एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स जनरेट होता है, या फिर यहाँ पे मान लो कहीं पे भी, लेट्स से एनीवेयर। तो यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द इंपल्स क्या होता है, तो नाउ पे अटेंशन। सपोज आपको ये तब सब याद है ना कि एक्सोप्लाज्म मतलब क्या, न्यूरॉन के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्या एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसा, एंड ये न्यूरॉन का बाहर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर ही आपको क्या रहेगा, इसके ऊपर ही आपका माइलिन शीत वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब उसको माइलिन शीत को मैं निकालूंगी नहीं, बिकॉज मुझे क्लियर डायग्राम चाहिए है। सो माइलिन शीत एंड श्वान सेल्स को मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, डायरेक्टली पे अटेंशन नाउ। सो इम्पल्स को कंडक्ट करना मतलब क्या, सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्पल्स की पहली वाली स्टेज क्या है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब रेस्टिंग वाला फेज, जहां पे न्यूरॉन क्या है, रेस्ट में है, वहां पे हमने कोई भी तकलीफ, मतलब सपोज आई एम सिटिंग नाउ, मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरे पैर के जो भी न्यूरॉन है वो सारे रेस्ट में है, पैर कोई काम कर रहा है क्या, कोई वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब द न्यूरॉन्स इन माय लेग्स विल बी नाउ रेस्टिंग, आईज, हैंड्स, माउथ, दीज आर ऑल वर्किंग नाउ, मतलब ये सारे एक्टिवेटेड या इम्पल्स कंडक्शन की फेज में है। रेस्टिंग पोटेंशियल आप क्यों कहेंगे एंड कब कहेंगे, तो जनरली मैंने जैसे कहा कि आयॉन्स का खेल होता है, मेजोरिटी टाइम में क्या होता है कि हमको सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स के बारे में ही ज्यादातर हम बात करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम को लेट्स गिव अ डिफरेंट कलर टू आइडेंटिफाई पोटेशियम आयन्स। सी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोडियम ही बाहर है एंड पोटेशियम ही अंदर है, ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर होता है, कुछ सोडियम अंदर, कुछ सोडियम बाहर, कुछ पोटेशियम अंदर एंड कुछ पोटेशियम बाहर। बट रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त, वेन द न्यूरोन इज एट द रेस्ट, तब पोटेशियम का कंसेंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ हाई है कंपेयर्ड टू सोडियम, सोडियम भी है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं है, बट हाई है कंपेयर टू द सोडियम, एंड सोडियम का कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ, ये आउटसाइड द सेल है, तो बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। अब वैसे देखा जाए तो बच्चा सोडियम हो या पोटेंशियल हो, दोनों का चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, बट कंपैरिजन में पोटेशियम
एंड सोडियम का जो अगर कंपैरिजन में करूं, जब भी सेल पंप करता है ना, तब 3 सोडियम के बदले वो सिर्फ 2 ही पोटेशियम को पंप करता है। मतलब अगर 3 सोडियम बाहर है तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2 सोडियम 2 पोटेशियम अंदर है। तो दोनों भी अगर आप कंपेयर करोगे बाहर का साइड एंड अंदर का साइड सेल का, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिखेगा। नेगेटिव मतलब टेक्निकली नेगेटिव नहीं, लेस पॉजिटिव, लेट्स से इट इज व्हाट, लेस पॉजिटिव कंपेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड कैसा है, मोर पॉजिटिव है। इनसाइड कैसा है, लेस पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव को ही हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। हम आसान जाता है ना बोलने में, कंसिडर करने में, कैलकुलेशन में भी वो आसान जाता है इसलिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन है, नो। रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन ज्यादा पोटेशियम को परमिएबल है अंदर की तरफ खींचने के लिए, एंड सोडियम को क्या है, इम्परमिएबल। मतलब रेस्टिंग स्टेट में अब कोई भी सोडियम अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ पोटेशियम रह सकता है। ये था रेस्टिंग पोटेंशियल। एंड चार्जेस कैसे, आपको चार्ज के ऊपर ही ध्यान देना है। चार्जेस है माइनस इनसाइड द सेल, आउटसाइड पॉजिटिव। ठीक है, इतनी कहानी हो गई, अब चलते आगे। अब क्या होगा, जैसे ही कोई एक्शन हो गया, मान लो कोई वर्क हो गया, मान लो मैं उठ के चलने लग गई, या आई हैव टच्ड एनी हॉट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, एनी इंपल्स, देयर इज सम इंपल्स कमिंग, कोई भी इंपल्स या एनी वर्क इज बीन डन, उस टाइम पे क्या होगा। नाउ इसकी बात की कहानी यहां देखेंगे हम। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फटाफट से सोडियम जो चैनल से, यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम के ऐसे चैनल्स होते हैं। आपको याद होगा आपने प्रोटीन चैनल्स पढ़े थे, जो ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ाया था कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आयन्स को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लेने के जाने में मदद करते हैं, जिसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपने ट्रांसपोर्ट का चैप्टर जो करा था ना, 1 या 2 क्लासेस, उसमें पढ़ा होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब जब हम किसी प्रोटीन्स का चैनल का मदद लेके आयन्स को अंदर या बाहर कराते हैं, तो ये सिर्फ एक दरवाजा है, मान लो दिस इज व्हाट अ डोर, जो आयन्स को अंदर बाहर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि परमियाबिलिटी मेम्ब्रेन के है नहीं इसलिए। तो जैसे ही इंपल्स आया, अब क्या करेंगे, तेजी से सोडियम आने लग जाएंगे अंदर। तो सोडियम आने लग गए अंदर, इससे क्या हो गया, इससे ये हो जाएगा कि यहां पे बन जाने लग गया अब थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। मतलब पूरा पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट वी कैन से, यहाँ पे नहीं लिखूंगी मैं, अब इसको आगे लिखूंगी, लेट से कि यहाँ पे अब थोड़ा मोर पॉजिटिव हो गया, इट बिकेम लिटिल बिट मोर पॉजिटिव, नॉट कंप्लीट बट मोर पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले स्टेट को मैं कहूंगी, ये वाला हिस्सा न्यूरॉन का कहलाया जाएगा एज अ डीपोलराइज्ड, एंड ये वाला कहलाया जाएगा पोलराइज्ड। क्यों पोलराइज्ड का मतलब क्या, हमने बहुत सारे पोटेशियम सोडियम को बाहर रखे हैं एंड पोटेशियम को अंदर रखा है, तो सोडियम का बाहर रहना, पोटेशियम का अंदर रहना, इसके वजह से एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, एक पोलैरिटी बन गई है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। तो इस पोलराइज्ड स्टेट को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये दोनों सेम है, रेस्टिंग पोटेंशियल रहना ही इज नथिंग बट द पोलराइज्ड रहना न्यूरॉन का। ये एक स्टार्टिंग का हिस्सा है जहां पे अभी तक कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे इंपल्स आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगी वो मैंने बताया। यहाँ पे चेंजेस ये होंगे कि सोडियम ने ट्रेवल कर दिया अंदर थ्रू दिस चैनल्स, आयन चैनल्स कहते हैं उसको। सोडियम आने लग गए अंदर अंदर, तो ये क्या होने लग गया, धीरे धीरे डीपोलराइज्ड होने लग गया, एंड उसके साथ ही हम पोटेशियम को अब भेजने लग जाएंगे थ्रू द चैनल्स आउटसाइड। तो पोटेशियम को भेजो बाहर, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पोटेशियम को बाहर। तो हमेशा 3 सोडियम जब अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम जाएगा बाहर, ये उसकी आदत होती है, दिस इज द हैबिट। तो यहां से पोटेशियम अब कहाँ गए, बाहर की तरफ गए, पोटेशियम इज ट्रेवल्ड आउट। तो अब बाहर की तरफ कैसा होने लग गया चार्ज, यहाँ पे क्या होने लग गया था, पॉजिटिव होने लग गया था, एंड यहाँ पे हो गया था नेगेटिव। नाउ इट विल बिकम
रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज मतलब जैसे बहुत से फिर से पोटेशियम बाहर चले लग गए एंड सिर्फ कुछ ही सोडियम को मैंने रख दिया अंदर, फ्यू सोडियम्स आर इनसाइड, मोर पोटेशियम आर आउटसाइड, पोटेशियम बाहर ज्यादा है। तो ये फिर से पहली वाली स्थिति है, ये सी वाली, जहां पे अगेन पॉजिटिव वाला साइन बाहर दिखेगा एंड नेगेटिव वाला हमको साइन दिखेगा अंदर। तो ये कहेंगे हम रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड टेक्निकली सेम ही है, न्यूरॉन्स का कंडीशन वहां पे सेम ही होता है, चार्जेस वहां पे सेम ही होते हैं, बस पोलराइज्ड में सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा था बाहर इसलिए पॉजिटिव था एंड पोटेशियम अंदर की तरफ कम थे इसलिए नेगेटिव था। रीपोलराइज में साइन तो माइनस एंड प्लस ही है, मतलब बाहर देखो अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइंस तो सेम है बट अब आयंस का जो प्लेस है, जो आयंस की स्थिति थी वो बदल गई, पहले सोडियम यहाँ पे ज्यादा थे अब पोटेशियम ज्यादा होने लग गए, तो इतने ज्यादा होने लग गए कि ये वहां बाहर की तरफ अब हमने पॉजिटिव साइन को देखना चालू कर दिया, तो ये कहलाएगा रीपोलराइज। मतलब पहली वाली स्थिति बस आयंस ने प्लेस चेंज कर दिया है, अब बाहर पोटेशियम ज्यादा है अंदर सोडियम कम है। तो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड में क्या, इंपल्स आते ही फटाक से अंदर आ गए सोडियम, दैट इज डीपोलराइज्ड। मतलब हमने जो यहाँ पे पोलरिटी कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट जो बना के रखा था ना वो हिल गया, किसके वजह से, इंपल्स के वजह से। हिलने का मतलब क्या है, इंपल्स का आगे लेके जाने का मतलब क्या है कि सोडियम को अंदर लेके आओ एंड अंदर लेके आते आते ज्यादा पॉजिटिव होने लग गया अंदर वाला लेयर एंड अब भेजो नेक्स्ट वाले हिस्से में पोटेशियम को बाहर। तो ये वाला डीपोलराइज्ड जो एरिया होता है इसको ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आगे क्या होगा, मतलब जैसे ये न्यूरॉन आगे बढ़ता जाएगा ये डीपोलराइज्ड होके फिर से रीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड होके फिर से डीपोलराइज्ड, फिर से रीपोलराइज्ड, तो ये ऐसे आगे पीछे होता जाएगा। यू कैन सी हियर, ये देखो मैं फिर से डायग्राम की मदद से बता रही हूं। सो जो रेस्टिंग फेज है, पीछे वाला फेज से स्टार्ट करते हैं, रेस्टिंग फेज से, रेस्टिंग फेज में पॉजिटिव साइन ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है बाहर, नेगेटिव साइन अंदर है, मतलब पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा है। तो जब प्लस बाहर माइनस अंदर, इट इज रेस्टिंग फेज। नाउ जब ए साइट, सपोज ए वाली साइट है न्यूरॉन की, ये पूरा लंबा सा न्यूरॉन तक क्या है, एक्सॉन है, ये पूरा का पूरा, इट्स व्हाट एक्सॉन, समझो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ए साइट पे क्या हो गया, जैसे ही पता चला न्यूरॉन को इंपल्स की भाई साहब आ रहा है, तो फटाक से क्या हो जाएगा, चैनल्स खुल जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी सोडियम जो है वो सारे तरफ से अंदर आने लग गया एंड पॉजिटिविटी बढ़ने लग गई। सी यू कैन सी द पॉजिटिव आयंस आर नाउ बीन इंक्रीज्ड। तो ये वाला हिस्सा, ये ना बच्चों ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरे एग्जाम के सारे चैनल्स खोल दो, सारे पोटेशियम चैनल्स खोल दो, ऐसा नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में टुकड़े टुकड़े में काम करेंगे, मतलब सिर्फ इतने वाले ही सोडियम चैनल्स खोले हैं, पोटेशियम चैनल्स खोले हैं, फिर इतने वाले हिस्से ने जैसे ही सोडियम को अंदर भेज दिया, आगे वाला पोटेशियम को, ये वाला पोटेशियम को भेजेगा बाहर एंड फिर से यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो जब सोडियम अंदर आए थे वो बना था डीपोलराइज्ड, जब पोटेशियम बाहर गए फिर से बन गया रीपोलराइज्ड। फिर ये आगे जाएगा इस सेगमेंट में, यहां से सोडियम चैनल्स खोल दो, यू विल गेट द सेम थिंग, फिर से यहां से पोटेशियम चैनल्स खोल दो, तो ये चलता रहेगा कब तक, जब तक वो एग्जॉन के एंड तक ना पहुंचे तब तक। होते हैं ना सोडियम एंड पोटेशियम सेल्स के इर्द गिर्द में, दिस इज आउटसाइड द सेल, ये वाला क्या है, दिस इज आउट ऑफ द सेल, ये इन है एंड ये अगेन आउट है, एग्जॉन के आजू बाजू में होते हैं, वी हैव दिस सोडियम आयंस, मिनरल आयंस वगैरह होते हैं ऑब्वियसली हमारे बॉडी में। अब इसको मैं, मुझे पता है ये इतने आसानी से आपके दिमाग में जाने वाला है नहीं, तो आई हैव अ 3D एनिमेशन फॉर यू जो आपको और समझने में मदद करेगा। बस लास्ट और एक चीज बताती हूँ मैं एंड देन आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स।
तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना कि ये प्लस वाले एंड माइनस वाले साइन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले को हम वापस से रेस्टिंग फेज में लेके आएंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है माइनस टू प्लस, फिर से माइनस टू प्लस, फिर से माइनस टू प्लस, फिर से माइनस टू प्लस, सो लाइक दिस इज द करंट फ्लो, जिससे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, माइनस टू प्लस होके पूरा सर्किट आपका कंप्लीट होगा। तो यहां से फिर से वापस आएगा ये वाले स्टेट में, देन फिर से ऐसे। तो ये आगे आगे करते ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कब तक, जब तक वो एग्जॉन के एंड पर ना पहुंचे तब तक। तो सोडियम चैनल्स का इन एंड आउट चलता रहेगा। फिर से बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस वंस अगेन, राइट इट हियर। देखो पे अटेंशन वंस अगेन, एक्सॉन की, अगर एक्सॉन या हो डेंड्राइट का स्टार्टिंग पॉइंट हो व्हाट एवर, तो पहले देखते हैं रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग में क्या होने वाला है, बहुत सारे सोडियम को मैंने रखा है बाहर। ऐसा नहीं कि पोटेशियम नहीं होगा या कैल्शियम नहीं होगा या कोई और नहीं होगा, पोटेशियम भी होगा बट उसकी मात्रा कम होगी। आई एम टेलिंग यू कि इट विल बी कम इन द आउटर साइड बट मोर इन द इनर साइड, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट ही को क्या कहते हैं हम, पोलराइज्ड करना। हमने क्या किया, ये पूरे आयन्स के खेल से एक्सॉन को पोलराइज करके रखा है, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है वो, इट इज जस्ट रेस्टिंग, जिसकी वजह से सोडियम ज्यादा बाहर है तो उनकी नेगेटिविटी एंड इसकी नेगेटिविटी को अगर हम कंपेयर करें तो अमाउंट सोडियम का ज्यादा होता है कंपेयर टू पोटेशियम, इसलिए बाहर पॉजिटिव साइन रखते हैं। साइन के ऊपर मत जाओ, पोटेशियम भी पॉजिटिव वाला ही आयन है बट इसके कंपैरिजन में इसकी मात्रा कम है, तो ये लेस पॉजिटिव कहेंगे आप। एक्चुअली इसको क्या कहेंगे, लेस पॉजिटिव, विच इज नथिंग बट नेगेटिव। तो सिंपलर टर्म्स में लेट्स सी, इट्स लेस पॉजिटिव और नथिंग बट नेगेटिव। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अंदर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि बाहर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी वैसी है। अब जैसे कोई इंपल्स आ गया, मान लो किसी ने धक्का दे दिया, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट आपने छू लिया, तो क्या कर जाएगा, यहाँ के जो चैनल्स होते हैं सोडियम चैनल्स, वो हो जाएंगे ओपन, गेट हो जाएंगे ओपन, एंड सोडियम आने लग जाएगी अंदर। ओके, तो सोडियम जैसे अंदर आ गए तो हमारे जो ये ग्रेडियंट बना के रखा था हमने, एक पोलैरिटी मेंटेन की थी ना प्लस एंड माइनस की, वो हिल जाएगी ना। आपने सोडियम को ला लिया अंदर एंड साथ में अभी तक कुछ कुछ बीच बीच में पोटेशियम भी पड़े हुए हैं, उसको मैंने अभी तक बाहर भेजा नहीं है, तो इससे पोलैरिटी खराब हो गई, इससे पोलैरिटी हिल गई, दैट नॉट खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। लेट्स से कि पोलैरिटी इज नाउ डिस्टर्ब, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड। मतलब नाउ यहां से हम क्या करेंगे, इंपल्स को आगे इस तरफ भेजेंगे, तो डीपोलराइज्ड को अब हमको वापस क्या करना पड़ेगा, सोडियम एंड पोटेशियम एक साथ नहीं रह सकते, उनकी दुश्मनी है, तो जब भी सोडियम अंदर आ जाएगा पोटेशियम चैनल्स को खुलना पड़ेगा एंड अब भेजेंगे पोटेशियम को हम बाहर। ये भेजो सारे पोटेशियम को बाहर, सारे मतलब कुछ कुछ ऐसे। तो अब क्या हो गया, पोटेशियम की ज्यादा मात्रा हो गई बाहर एंड सोडियम हमारे पहले से अंदर ही है। तो नाउ अगर आप साइन देखोगे, नाउ बिकॉज अगेन जैसे यहां वाली कंडीशन थी वैसे यहाँ पे आ गई, बट आयन शिफ्ट हो गए, यहाँ पे भी फिर से अब नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बट आयन्स ने प्लेस चेंज कर दी है। अब अंदर सोडियम ज्यादा आ गए, पोटेशियम बाहर की तरफ जरा चले गए, बट पोटेशियम ज्यादा चले जाते बाहर कंपेयर टू द सोडियम, इसलिए अब चार्ज बाहर पॉजिटिव लग जाएगा, पीछे लग जाएगा अंदर की तरफ नेगेटिव। तो इसको हम कहेंगे रीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड रीपोलराइज्ड हम चार्जेस के मामले में कहते हैं, आयन्स के मामले में नहीं। तो आयन्स चाहे प्लस वाले हो या माइनस वाले हो, मतलब पोटेशियम हो या सोडियम हो, हमको चार्ज को मेंटेन करना है। चार्ज ही डिपेंड करेगा कि कैसे नर्व को हम आगे इंपल्स को भेजने में मदद करते हैं, सो चार्जेस मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। तो आयन चाहे कोई भी हो, अगर वहां पे आयन खुद का अमाउंट बढ़ा के पॉजिटिव मेंटेन कर सकता है तो अच्छी बात है। तो वी हैव टू मेंटेन दिस चार्जेस।
फिर से आप क्या होगा, अगेन इंपल्स आगे ट्रेवल करेगा, अगेन सोडियम चैनल्स, फिर आप आगे अंदर से बाहर, एंड फिर से ये वाली स्टेट। तो ये साइकिल है, दिस इज साइकिल, ये साइकिल है, ये चलता रहेगा कब तक, एंड तक, जब तक सिनेप्टिक नॉब तक ये ना पहुंचे तब तक। नाउ बिफोर यू आस्क मी डाउट्स, आई अलाउ यू टू शो द वीडियो एंड देन यू कैन आस्क मी डाउट्स, क्योंकि उससे और अच्छा आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है भाई। बहुत शांत हो गए यार बच्चे। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार किसको समझ में आएगा ना, बड़ा मजा आता है। एंड जो वोल्टेज को मेंटेनेंस कहते हैं ना, माइनस वाली साइन, उसको कहा जाता है -70 वोल्ट। बताऊंगी मैं वो भी आपको, रुको। सो लेट्स वॉच समथिंग इंटरेस्टिंग, यू विल हैव फन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा हाँ रुक जाओ, ऑन नहीं किया मैंने अभी। ये पहले न्यूरॉन का दिखा रही हूं मैं, एक बार ये न्यूरॉन देख लो। मम्मी, करंट किसको लग रहा है वैसे? क्या मैम करंट किसको लग रहा था ये? क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया मुझे। सुनो सुनो, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या, ये क्या बोल रहे हैं उसका। नो मैम, नो मैम, नो मैम, ठीक है मैं बता रही हूँ फिर आपको, आई एम टेलिंग इट व्हाट इट इज। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल के अंदर की सारी चीजें, ईआर, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब बताया है। देन ये है डेंड्राइट्स। सी, डेंड्राइट्स की तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है पहले ये इम्पल्स, एंड फिर उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन के पास के बाद फिर एंड में जा रहा है। यू कैन सी कैसे अंदर की तरफ इम्पल्स जा रहे हैं। सोमा इज नथिंग बट द बॉडी, साइटॉन, सोमा, सेल की बॉडी, एक ही चीज है तीनों भी। ये है माइलिन शीट, आप देख सकते हो माइलिन शीट एंड नोट्स ऑफ रेनवियर। ये एंड है, एग्जॉन का एंड होता है, तो एग्जॉन, जब टर्मिनल एग्जॉन भी इसको कहते हैं, या एंड ऑफ द एग्जॉन भी कहते हैं, या इसको सिनेप्टिक नॉब भी कहा जाएगा। देखो कैसे नेटवर्क है डेंड्राइट्स एंड एग्जॉन्स का। कैन यू सी, एक डेंड्राइट और दूसरे वाला एग्जॉन का एंड, दोनों भी जुड़ा हुआ है ये कुछ इस वाले हिस्से में, इसका एग्जॉन एंड इसका डेंड्राइट, दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं। ये वही रिपीटेशन है नाउ। सी नाउ पे अटेंशन, ये आपका, अब जो मैंने पढ़ाया ना आपको एक्शन पोटेंशियल, वो बताएगा। सो सबसे पहले कौन रिसीव कर रहा है स्टिम्युलाई, डेंड्राइट ने रिसीव किया है स्टिम्युलाई को, एंड कैसे वो एक्शन पोटेंशियल अब लेके जा रहा है थ्रू द एक्सॉन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, तो देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, देखो कैसे ऊपर नीचे अल्टरनेटिव होते जा रहे हैं। यू कैन सी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से दिखा रही हूँ मैं, फिर से दिखा रही हूँ। देखो देखो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस बाहर है, नेगेटिव साइंस अंदर है, मतलब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है, रेस्ट पे है, अभी कोई इंपल्स आया नहीं है। नाउ सी, यू कैन सी कुछ कुछ माइनस बाहर की तरफ, कुछ कुछ प्लस अंदर की तरफ।
इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स की जगह चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, एक बार वहां पे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन आके गया है। सो ये डिटेल में हम देखेंगे फिर से, बट देखो कितने खूबसूरत से दिख रहा है वो, है ना। अब देखो कहानी कैसे शुरुआत होती है ये सोडियम पोटेशियम पंप की। ये पंप इज नथिंग बट द चैनल, जो मैं गेट कह रही हूँ ना, सोडियम पोटेशियम गेट या चैनल या पंप इसको कहा जाएगा। तो ये क्या होता है जनरली, आप अगर नीचे देखोगे रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज अबाउट 70 मिली वोल्ट। माइनस क्यों रखा है, अगर आप देखोगे नीचे कुछ पिंक कलर के साइन में यू कैन सी हियर माइनस साइन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर बाहर एंड अंदर की तरफ देखो तो बाहर सोडियम के ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, अंदर की तरफ पोटेशियम के मॉलिक्यूल ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे नहीं है, कुछ पोटेशियम दो चार आपको बाहर भी दिखेंगे, कुछ दो चार सोडियम अंदर भी दिखेंगे, बट मात्रा ज्यादा किसकी है, बाहर सोडियम की, एंड मात्रा पोटेशियम की ज्यादा अंदर है। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, एंड ग्रेडियंट फॉर्म होने की वजह से चार्जेस बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी बनना, चार्ज बनना। तो जनरली पोलैरिटी को हम रेस्टिंग फेज में, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि रेस्टिंग फेज में मेमोरियल की पोलैरिटी कितनी है, तो -70 है। अंदर की तरफ जो होता है ना उसको गिना जाता है, तो अंदर माइनस होता है तो -70 मिली वोल्ट। ओके, क्यों है, बिकॉज माइनस क्योंकि ज्यादा पोटेशियम अंदर की तरफ है, ज्यादा सोडियम बाहर की तरफ है। एंड ये अंदर बाहर क्यों रहे, क्योंकि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन जब रेस्ट पे होता है तो सोडियम को अंदर आने नहीं देता, दैट इज व्हाई रेस्टिंग वाला केस है ये। चलो आगे, अब वो वही चीज बता रहा है वैसे जो मैं बता रही हूँ। तो सेल इज मोर नेगेटिव इनसाइड एट द रेस्टिंग स्टेट एंड कंसर्न। नीचे देखो आपको दिख रहा है ना वहां पे, कैन यू सी, नीचे आ रहा है सबटाइटल्स, इसको नहीं दिख रहा, मैं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि ग्रेडियंट किसने मेंटेन करा, तो पंप ने मेंटेन करा। सी, दो पोटेशियम जब अंदर आए तब तीन सोडियम बाहर गए। सो व्हाट इज हैपन नाउ, डेंड्राइट्स ने सिग्नल को रिसीव किया, तो वो वाले हिस्से में डेंड्राइट के क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा कि हमने पहले सोडियम को अंदर ले लिया, ठीक है। अब पोटेशियम अभी तक अंदर ही है, ठीक है। अब देखो ना, अंदर वाला हिस्सा भी क्या, लेस नेगेटिव, तो इसलिए साइनस माइनस की साइन थोड़ी कम हो गई, लेस नेगेटिव हो गया, ठीक है। नाउ यहां के बाद हम ट्रेवल कराएंगे सिग्नल को टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एक्सॉन। तो डेंड्राइट्स के बाद जाता है सिग्नल टुवर्ड्स एक्सॉन, एंड एक्सॉन एंड बॉडी के बीच में जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज हिलॉक या ट्रिगर वाला जोन, ट्रिगर रीजन भी कहा था उसको, देखो हाँ, दिस इज ट्रिगर जोन, नेक वाला रीजन या हिलॉक भी इसको कहते हैं। सो लेट्स सी कि अब इस वाले हिस्से में जब डेंड्राइट यहां तक आता है मैसेज को लेके क्या होगा। नाउ सेम थिंग, अभी भी फिर से हम पहले क्या करेंगे, सोडियम को ही अंदर लेंगे, क्योंकि यहां वाली भी एक्सॉन क्या थी, रेस्टिंग में थी ना, डेंड्राइट से यहां तक मैसेज आने जाने तक रेस्टिंग में थी वो, तो रेस्टिंग में माइनस ज्यादा अंदर था एंड प्लस वाला साइन बाहर था। जैसे ही डेंड्राइट से अंदर आ गया मैसेज, सोडियम अंदर चल दिए, सोडियम आर कमिंग इनसाइड, तो एक सोडियम चैनल ने दूसरे को खोल दिया, दूसरे ने तीसरे को खोल दिया, ऐसे बहुत सारे सोडियम हमने अंदर ले लिए, एंड साथ ही हमने पोटेशियम को बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो देखो फर्स्ट चैनल ओपन्ड, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसे वो एक दूसरे को ओपन करते आएंगे, मान लो कैसे डैम के गेट्स है, एंड एक दूसरे को ओपन कर करके वो बहुत सारा सोडियम को अंदर ले लेंगे। तो जब सोडियम अंदर आ चुका है दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन या राइजिंग फेज। सी ग्राफ भी देखो, -70 से -55, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव वाले साइंस अंदर आ गए सेल के, प्लस वाला साइन कितना बड़ा हो गया, पोटेशियम भी अंदर है, सोडियम भी अंदर है। तो ये जो फेज है छोटा सा राइजिंग फेज या डीपोलराइज्ड फेज, ये शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्विक होता है,
तो शॉर्ट एंड क्विक का मतलब क्या है कि जैसे फटाफट से हमने सोडियम चैनल्स एक के ऊपर एक खोल दिए एंड सोडियम को अंदर ले लिया, तो सोडियम ज्यादा पोटेशियम को अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही डीपोलराइज स्टेट हो गया, फटाक से सोडियम ने फोर्स कर दिया कि पोटेशियम तू बाहर जा, मैं तुझे टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही बेचारे पोटेशियम बाहर चलने लग जाएंगे, उसको वापस से हम कहेंगे कि रिपोलराइज्ड होना। देखो फॉलिंग फेज मतलब अब वापस से क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल्स बंद, पोटेशियम ओपन, क्योंकि बर्दाश्त नहीं किया इसने पोटेशियम को एंड भेज दिया बाहर। अब साइंस फिर से बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा दिखने एंड इंदर अंदर की तरफ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइंस विल नाउ गेट रिवर्स्ड। अब देखोगे पहले वाला जो रेस्टिंग फेज था एंड ये वाला फेज, इसको अब क्या कहते हैं, रिपोलराइज्ड फेज। तो दोनों में साइंस का तो सेम ही है खेल, आयंस की जगह चेंज हो गई। रेस्टिंग फेज में पहले सोडियम बाहर थे, पोटेशियम अंदर थे, प्लस माइनस साइन था। अब रिपोलराइज्ड में साइन तो प्लस माइनस ही है, बट अब सोडियम अंदर है, पोटेशियम बाहर है। तो प्लस एंड माइनस साइन मेंटेन कैसे करेंगे, वो पोटेशियम अगर बहुत ज्यादा हम बाहर भेजे कंपेयर टू सोडियम में, तो बाहर की तरफ नेचुरली पॉजिटिव साइन का रहना बनता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन हमने बहुत सारे पोटेशियम को बाहर भेज दिया, तो तब वो बन जाएगा आउटसाइड वाला हिस्सा, दैट इज नाउ कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन, सेम एज रेस्टिंग पोटेंशियल। हाइपरपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन। अब वापस से हमको आना है नॉर्मल रेस्टिंग फेज पे, अगर वापस से आना है तो दिस इज कॉल्ड एज नाउ रेस्टिंग फेज, एंड ऐसा चीज आगे आगे चलता रहेगा, दिस विल गो ऑन। ये तो हमने सिर्फ एक हिस्सा देखा, ये कब तक चलेगा, जब तक एग्जाम का एंड नहीं होता तब तक। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको नहीं है, बट फिर भी बता रही हूं मैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब एक इंपल्स जब जा रहा होता है ना आगे आगे, तो जब वो आगे ट्रेवल करता है, तो जब तक ये खत्म नहीं होता, मतलब एंड तक नहीं पहुंचता, तब तक एक्सॉन का ये वाला हिस्सा दूसरा इंपल्स को जनरेट नहीं कर सकता। एट अ टाइम आप न्यूरॉन को दो दो सिग्नल्स भेज नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, की ये वाला हिस्सा अब वेट कर रहा है ताकि ये पूरा वाला हिस्सा डिपोलराइज एंड रिपोलराइज हो जाए। तो दैट इज वेटिंग पीरियड, इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहां पे कोई भी सेकेंड इंपल्स जनरेट नहीं होगा, वरना वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एट अ टाइम दो तीन इंपल्स भेजोगे ना, तो न्यूरॉन बौखला जाएगा कि हो क्या रहा है, ऐसा नहीं होता। जब एक एक्सॉन से पूरा डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ये जब खेल चलता रहता है माइनस प्लस साइन का, जब तक एक्सॉन एंड तक नहीं जाता, तब तक पिछले वाला हिस्सा रेस्टिंग में या रीपोलराइज में ही रहेगा, ये सेकेंड इंपल्स को कंडक्ट नहीं करेगा, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। आपके लिए इतना ही काफी है, इसके आगे का इज टू मच डिटेल जो रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू नाउ, मतलब 11th के लेवल पे ये नहीं है। यस, कुछ कुछ गया? यस मैम। ओके, दो चार क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, लेट मी सी कि आपको कितना समझा है, एंड मुझे याद दिलाना कोई अगर बाद में, टू पुट दिस इन योर ग्रुप सो दैट यू कैन एटलीस्ट विजुअलाइज, मैं भूल जाऊंगी वरना बाद में। ओके, तो लेट अस रिवाइज फ्यू थिंग्स। सो व्हाट आर द स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस है? पहला होता है पोलराइजेशन, जहां पे क्या होता है, रेस्टिंग फेज था, रेस्टिंग में था, -70 मिलीवोल्ट जितना उसका चार्ज होता है, ये सिंपली आपका जो फिजिक्स का सर्किट है ना बच्चा, वैसा ही है। हमारा न्यूरॉन इज नथिंग बट अ सर्किट काइंड ऑफ थिंग, तो सर्किट मतलब आयंस के फॉर्म में ही हमारा इंपल्स कंडक्शन होता रहता है थ्रू आउट द न्यूरॉन। तो जब क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट इतना चार्ज बना होता है रेस्टिंग वाले फेज में, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब क्या, सोडियम चैनल्स खुल गए हैं, अब क्या होने लग गया, सोडियम आर कमिंग इनसाइड, मतलब इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब कमिंग इनसाइड ऑफ द सोडियम, एंड ये क्या करेगा, फोर्स करेगा टू पोटेशियम गो आउट, तो एफ्लक्स। तो डीपोलराइज मतलब सोडियम एंड पोटेशियम अब दोनों भी
अंदर की तरफ है तो अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा नाउ लेस पॉजिटिव एंड बाद में पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब सोडियम ने अंदर पूरी जगह ले ली है, पोटेशियम ने पूरा का पूरा खुद को बाहर भेज दिया है। तो आज हमने इतना ही करा है, सिनेप्स को अभी तक देखा नहीं है हमने, ठीक है। लेट अस अगेन, ये शरावास क्या बोल रहे हो आप? पीजीसी बेटा वॉइस कट रही है। पीजीसी? यस मैम। मैं समझी नहीं, पीजीसी मतलब? What is PGC? I did not. Can you message? आपकी वॉइस कट रही है शनवास, आपकी वॉइस कट रही है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व, मतलब कि नर्व क्या क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है। शनवास आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। PGC किसका फुल फॉर्म दिया है आपने? ये किसका शॉर्टकट है? यहाँ पे है? हाँ यहाँ शॉर्टकट बोल रहे हो आप? चैनल का नाम था ना, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज वोल्टेज गेटेड चैनल। अच्छा आपने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है क्या, क्योंकि जनरली वीजीसी यूज नहीं होता है, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ वीजीसी इज व्हाट? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। बट ये लिख नहीं सकते आप, वीजीसी को आप पेपर में यूज नहीं कर सकते। यू आर राइट एट वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मतलब ही क्या, सोडियम एंड पोटेशियम को पंप करने वाले जो मैंने दरवाजे दिखाए ना आपको, ये चैनल्स, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड क्यों? क्योंकि ये चार्ज का इन एंड आउट करते रहते, इसलिए वोल्टेज गेटेड। ओके मैम। सो एक्साइटेबिलिटी मतलब ऐसी आदत न्यूरॉन की जो क्या कर सकता है, इंपल्स को एक्साइट कर सकता है, इंपल्स को वो कंडक्ट कर सकता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब एट वन टाइम ओनली वन इंपल्स, तो दैट इज एक टाइम पे अगर एक इंपल्स जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है, तो एक साथ दूसरा इंपल्स पीछे पीछे नहीं आ सकता जब तक वो पूरे एग्जॉन के एंड तक ना पहुंचे तब तक। एंड ऑल और नन रिस्पॉन्स, ये बहुत ही खूबसूरत पता है, ये तो आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे, रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड ऑल और नन रिस्पॉन्स। ये इतने ढीठ होते हैं या इतना होशियार होते हैं ना हमारे नर्वस सिस्टम, अगर किसी एक न्यूरॉन ने, मतलब हमने देखा ना कि ये एक मान लो डेंड्राइट है, ये मेरा दूसरा सेल बॉडी है, एंड यहां से क्या हो जाएगा, टर्मिनल पे एंड हो जाएगा एक न्यूरॉन, यहां से दूसरे न्यूरॉन्स की शुरुआत होती है। तो अगर एक ने इंपल्स को कंडक्ट कर लिया तो ये सारे न्यूरॉन्स को कंडक्ट करने में मजबूर करेगा तब तक जब तक वो पूरा मैसेज ब्रेन या ऑर्गन तक ना पहुंचे। तो इंपल्स कंडक्ट कराना है मतलब सारे के सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने हैं, नहीं होना है मतलब कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। जैसे अगर कोई आपके किसी चीज की अगर रैली चल रही है, किसी चीज की अगर आप धरने पे बैठे हो मान लो किसी चीज पे, तो बैठेंगे तो सभी के सभी, वरना कोई नहीं बैठेगा ऐसा। तो दैट इज व्हाट न्यूरॉन्स डू। अगर एक बार इंपल्स कंडक्ट हो रहा है तो उस पाथवे में, मतलब मेरे हैंड से लेके मेरे ब्रेन तक जो सारे न्यूरॉन्स है एक्टिवेट होंगे, सारे के सारे इंपल्स कंडक्ट करेंगे। नहीं हुए तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाथ के उंगली का न्यूरॉन हो गया, बीच में हाथ का न्यूरॉन नहीं हुआ है, ऐसा आधे न्यूरॉन एक्टिवेटेड आधा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पूरे पाथवे में फ्रॉम योर वन पार्ट टू द सेकेंड पार्ट सारे के सारे न्यूरॉन्स होना है, तो सब कुछ को एक्टिवेट होना है, सभी के सभी इंपल्स कंडक्ट करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑल और नन रिस्पॉन्स। इसको कहते हैं यूनिटी। कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है न्यूरॉन्स में कि भाई मुझे एक्टिवेट होना है तो सभी को एक्टिवेट करूंगा, वरना किसी को नहीं करूंगा, खुद भी नहीं करूंगा। That is what the property. Got it? ये refractory period and all or none response समझे। Refractory period मतलब जब एक impulse जा रहा है यहां से, या जब एक impulse जा रहा है तो दूसरा impulse मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती, ऐसा नहीं कर सकता neuron।
दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब वो वेट करता है सिंपली फॉर द कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इम्पल्स. एंड ऑल एंड नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या कि सारे के सारे न्यूरॉन्स, ऑल न्यूरॉन्स एक तो कंडक्ट करेंगे इम्पल्स को या ना करेंगे. That is called all and none response. एक बार shoot up हो गया तो सारे के सारे activate हो जाएंगे, नहीं shoot up हुआ तो कोई activate नहीं होगा, कोई message ही नहीं जाएगा आपके brain को, like that. That is called all and none response. तो ये कुछ properties है nerve fiber की, nerve fiber कैसे behave करता है, उसकी properties है ये. Now, एक दो question पूछ रही हूँ मैं बच्चा, please give me फटाफट answer ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझा है. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्टिंग पोटेंशियल? रेस्टिंग पोटेंशियल में कितना वोल्टेज मेंटेन होता है इनसाइड द न्यूरॉन? इनसाइड पे कितना होगा? -70 वोल्ट. करेक्ट, मतलब यहाँ पे पोटेशियम अंदर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है. ओके, जब मैं कहूंगी डीपोलराइज्ड हुआ है न्यूरॉन एक हिस्से में, इसका मतलब क्या होना है? सोडियम का इनफ्लक्स अंदर जाएगा. अभी पोटेशियम बाहर नहीं गया है, पोटेशियम को हम बाहर भेज रहे तो वो रिपोलराइज कहलाएगा. एंड रिपोलराइज मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस बाहर एंड माइनस अंदर. यहाँ पे अंदर की तरफ अब प्लस बढ़ रहा है धीरे, बट माइनस भी है. तो दिस इज डीपोलराइज, यहाँ पे डिस्टर्ब किया है हमने पोलैरिटी को. एंड पोलराइज में मतलब फिर से प्लस बाहर माइनस अंदर, बट नाउ पोटेशियम विल बी आउट एंड सोडियम विल बी इन. ये फर्क होगा रिपोलराइज में एंड रेस्टिंग पोटेंशियल में. गेटिंग? यस मैम. अगर ये क्लियर है तो आप फिर कल, अभी नहीं सिखाऊंगी मैं, सिनेप्स को हम लेके जाएंगे कल. इज दैट क्लियर टिल हियर? ओके मैम. सिनेप्स को पढ़ाओ, पढ़ना चाहोगे मैम? कल. कल इज व्हाट डे? कल इज थर्सडे, नहीं वेडनेसडे. कल का क्लास होता है आपका? कल तो होता ही नहीं है. यस मैम, परसों. मैम पढ़ा दो फिर आज ही. चलो, बट ये लेगा टाइम अब. ये थ्योरी, अरे ये सब वही थ्योरी है. रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब क्या, ये मैंने पढ़ाया आपको. ओवरशूट, पीक फेज, ये पढ़ाया है. हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये भी पढ़ाया है. सी, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ये जो मैंने पढ़ाया है उसी की थ्योरी है. ये नहीं चाहिए. दिस इज डन. सिनेप्स पढ़ेंगे हम, सिर्फ सिनेप्स. हाँ शाहनवाज, कुछ बोलना चाहते हो बच्चा? यू वॉन्ट टू से एनीथिंग? ये डायग्राम आपके लिए सिर्फ समझने के लिए डाला था मैंने, टू अंडरस्टैंड कैसा होता है आउटर स्पेस में. कैसे पहले सोडियम ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम अंदर ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज. दोनों भी पॉजिटिव आयंस ही है, कैटायंस ही है, दोनों भी एनायंस नहीं है, कैटायंस ही है. बट फिर भी कंपैरेटिवली सोडियम ज्यादा है पोटेशियम के, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा माना जाएगा. एंड ये कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट. फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, क्या हो गया? सोडियम चल दिए अंदर की तरफ, तो हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन. एंड रीपोलराइजेशन मतलब क्या? अब पोटेशियम को हम भेज रहे बाहर, पोटेशियम को हम भेज रहे हैं बाहर, जो कहता है रीपोलराइजेशन. एंड बाहर भेजते भेजते क्या हो जाएगा? अगेन यू विल फाइंड अ नेक्स्ट फेज, मतलब ये न्यूरॉन का नेक्स्ट वाला हिस्सा है, ये न्यूरॉन का अगला हिस्सा है, जहां पे अभी भी आपको क्या दिख रहा है? रेस्टिंग पोटेंशियल दिख रहा है. तो थोड़ी देर के बाद ये भी डीपोलराइज हो जाएगा एंड ये भी डीपोलराइज हो जाएगा. फिर से इसके आगे जाओ, इसके आगे वाला जो रेस्टिंग फेज में बैठा है उसको भी डीपोलराइज करो, उसको भी डीपोलराइज करो. तो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ये चलता जाएगा कब तक? एग्जॉन के एंड तक. दैट इज वॉट योर एक्शन पोटेंशियल सेज. सिनेप्स में ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है. सिनेप्स इज नथिंग बट कि हमने जो अब तक पूरी कहानी देखी इम्पल्स कंडक्शन की, वो सिर्फ हमने एक ही न्यूरॉन में देखा है. अब जब न्यूरॉन टू न्यूरॉन को ट्रांसफर करना है ना मैसेज, तो क्या होगा? मतलब ये वाला एक न्यूरॉन है, ये वाला दूसरा है,
ये वाला एक है, ये वाला दूसरा, मतलब ये कहते हैं प्री सिनेप्टिक, ये कहते हैं पोस्ट। तो जब यहां से यहां मैसेज जाना है तो क्या होता है? तो सिनेप्स में वी विल हैव टू टाइप्स। एक कहलाएगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जो सिर्फ आयॉन्स की मदद से मैसेज को ट्रांसफर करेगा, एंड दूसरा है केमिकल सिनेप्स, जो हमने न्यूरो ट्रांसमीटर, आपको याद है यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, मैंने कल भी कहा था कि सिनेप्टिक नॉब में कुछ केमिकल्स होते हैं कॉल्ड एज केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या करेगा, ये जो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होती है ना, यहाँ पे आके बैठेगा एंड ये एक्टिवेट करेगा दूसरे न्यूरोन को। मतलब दोनों न्यूरोन डायरेक्ट टच में नहीं है, इलेक्ट्रिकल में यू कैन सी दोनों न्यूरॉन बहुत ही पास पास में है, इनके गेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में आपस में गेट्स जुड़े हुए हैं, तो ताकि यहां से आयन आसानी से यहाँ की तरफ चला जाए, सोडियम पोटेशियम आयन्स। कौन से वाले सिनेप्स में? इलेक्ट्रिकल में। बट केमिकल सिनेप्स में ऐसा नहीं है, यू कैन सी अ गैप हियर, इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप इज क्लेफ्ट। अब ये क्या करेगा, ऐसा क्यों रखा, ताकि ये थोड़ा डिले कर सके रिस्पॉन्स को। तो ये जब हमको गैप दिया है तो गैप को तैर करने के लिए, पार करने के लिए आएंगे कुछ केमिकल्स, तो ये केमिकल्स सीक्रेट होंगे गैप में एंड ये केमिकल्स ही आगे वाले चैनल्स को एक्टिवेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड केमिकल सिनेप्स। सिर्फ इतना डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मतलब आयन्स के थ्रू होने वाला नर्व का इम्पल्स कंडक्शन, केमिकल सिनेप्स मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होने वाला केमिकल कंडक्शन, न्यूरल कंडक्शन। That is what synapse is. Yes, we are stopping here anyhow. क्योंकि ये electrical synapse and chemical synapse, मैं चाहिए तो फिर से आपको अगली क्लास में भी अगेन रिपीट करा दूंगी कि कैसा होता है। एंड ये डिफरेंट फेजेस जो है हाइपर पोलराइजेशन, ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो मैं नोट्स भेजूंगी, डीपोलराइजेशन, ओवरशूट, यू कैन रीड इट एंड कम फॉर tomorrow's क्लास, टुमारो नहीं थर्सडे वाला क्लास। ओके एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन उसके बाद। ओके सो एज ऑफ नाउ लेट्स स्टॉप हियर। सिनेप्स को एक बार रिवाइज करके ही फिर मैं ब्रेन के पास जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो नहीं भी समझा होगा। डोंट वरी, आज के लिए एटलीस्ट रीड एंड कम द एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन ऑफ द नॉन इम्पल्स। ओके विल स्टॉप हियर देन, सी यू ऑन थर्सडे, प्लीज रीड एंड कम। ठीक है मैम, आप ये चैप्टर पूरा करवाओगे या मतलब जितना 11th के सिलेबस में बस उतना ही करवाओगे? अच्छा डिलीटेड भी है क्या? क्या डिलीटेड है? इसमें आई और ईयर वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है। ओके तो इज इट ओके कि मैं आई एंड ईयर आपके एग्जाम के बाद वाले क्लास में, जैसे डाइजेशन वगैरह हम चैप्टर कराने वाले है ना, यस मैम, तो वहां पे ले लूं क्या फिर? चलेगा? यस मैम, फिर ऐसे कर लेते हैं, मतलब एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा सिर्फ, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। ठीक है, फिर ब्रेन के पार्ट्स होने के बाद देन वी विल स्टार्ट विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें भी कुछ डिलीटेड है क्या मैम? एक बार देखते हैं। ठीक है, मुझे देख के बताना, बट हम करेंगे जरूर, क्योंकि ईयर एंड आई का मैकेनिज्म बड़ा खूबसूरत सा है। ओके चलो मैम, वो चैप्टर तो पूरा है, वो डिफिकल्ट नहीं है, केमिकल इज वेरी इजी, डोंट वरी, वो तो पूरा ही आ रहा है। या इजी है वो, इजी है, डोंट वरी। चल ओके मैम, बाय मैम, बाय बाय।